फिरोजाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस और थाना दक्षिण पुलिस ने संयुक्त रूप से एक असलाह बनाने की फैक्ट्री को बरामद किया है, जिसमें दर्जनों बने और अनबने असलाह सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद की क्राइम ब्रांच प्रभारी नीरज कुमार मिश्रा और थाना दक्षिण प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने असलाह बनाने की एक फैक्ट्री को जब्त किया है, जिसमें 15 बने हुए और 23 अधबने असलाह भारी मात्रा में उपकरण सहित बरामद किए हैं। 1500 रुपये से 2000 रुपये तक ये असलाह बेचे जाते थे। 315 बोर, 12 बोर, 32 बोर और यहां तक के कुछ ऐसे प्रतिबंधित बोर भी पाए गए हैं। पुलिस इन पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लोकेश पुत्र रामेश्वर बढ़ई, जो कि थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, उसके कितने अन्य साथी हैं जो अभी फरार हैं, उनकी भी पुलिस गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर आज एसएसपी अजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बकायदा पुलिस टीम को 5000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है एसएसपी ने। एसएसपी ने पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए लोगों से अपील की है कि इस तरह के कोई अवैध असलाह, अवैध बारूद बनाने का कोई जखीरा उनके इलाके में चलता है तो पुलिस को सूचना दें और उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रणाय, क्या है पूरा मामला, किस तरह का? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक लिपिक है, उनका करीब 18-19 साल का लड़का कल तकरीबन 10:30 बजे रात से गायब होने की सूचना रही। उसके उपरांत 11:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास लिपिक के मोबाइल पे, जैसा कि उनका बताना है, कि कहीं से 30 लाख रुपए के की फिरौती की सूचना आई। उस पर तत्काल हमारी टीम काम करते हुए इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उस लड़के की खोज में हमारी टीमें लगी हुई हैं। ये बात है कि तब से उसके उपरांत कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हुआ जिससे फिर से कोई मांग आई हो, लेकिन जैसी प्रारंभिक उनके किसी सूचना थी पीड़ित परिवार की, उस पर हमने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जैसा डेवलपमेंट होगा आगे, उस पर उसी तरह से कार्रवाई करके उस लड़के को बरामद किया जाए। जैसे 15 बने हुए तमंचे, 315 बोर के ये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 23 की संख्या में अधबने तमंचे भी हमने बरामद किए हैं। साथ ही में भट्टी है, रेती है, बेंच वाइस है और कुछ पाइप्स हैं जिसका इस्तेमाल और तमंचों को बनाने में इसके द्वारा किया जाता। इस सराहनीय कार्य पे इनको मेरे द्वारा 5000 का नकद इनाम दिया जा रहा है और आईजी रेंज आगरा महोदय से 12000 रुपए के इनाम के लिए लिखा जा रहा है। क्या इस तरह से जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं नगर पालिका, नगर निगम की, तो क्या उसके लिए तैयारी में जिसकी गड़बड़ी करने के लिए लाने का? इसने पूछताछ में बताया कि करीब 6-7 साल पहले भी ये असलाह बनाने के काम करने के इसमें पकड़ा गया था और 2 बार ही जेल जा चुका है। उसके बाद इसने गैप रखा था 7-8 साल का। फिर चूंकि नगर निकायों के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें गड़बड़ी फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए असलहों की डिमांड बढ़ी है। उस डिमांड के मद्देनज़र इसने लाभ कमाने के लिए ये काम पुनः शुरू कर दिया और आज फिरोजाबाद पुलिस के पकड़ में आ गया। इसमें मुखबिर से सूचना मिली थी और उस पर कार्रवाई तत्परता से करते हुए हमारी टीम ने इस शातिर खतरनाक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए हैं।